हुई बोतल टूटा हुआ पैमाना, टूटी हुई बोतल टूटा हुआ पैमाना, फिरंगी सरकार तुझे दिखा देंगे, फिरंगी सरकार हुई बोतल टूटा हुआ पैमाना, टूटी हुई बोतल टूटा हुआ पैमाना, फिरंगी सरकार तुझे दिखा देंगे, फिरंगी सरकार तुझे दिखा देंगे, थाट फकीराना थाट फकीराना। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। साथियों, चंद्रशेखर आजाद महाभारती का वह लाडला सपूत, महान क्रांतिकारी, आजादी का दीवाना, जिसने मात्र 14 साल के अल्प आयु में क्रूर अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ कानून भंग, गांधी जी के आंदोलन में उनका पुरजोर साथ दिया, जिसके कारण अंग्रेज हुकूमत द्वारा सन 1920 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और जज के सामने पेश किया। जज ने पूछा, आपका नाम? चंद्रशेखर जी बोले, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। पता? जेल। यह सुन के बौखलाए हुए जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। इस आजादी के दीवाने ने हर एक कोड़े के वार पर वंदे मातरम का जय घोष करके अपने स्वर को बुलंद किया। साथियों, यही वो दिन था जिस दिन से लोग उन्हें आजाद के नाम से जानने लगे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी के माता पिता की बात की जाए तो उनकी ममता भरी माँ का नाम जगरानी देवी, पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव के रहते थे, जो भाभरा गांव वर्तमान में आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ राम प्रसाद बिस्लर जी के नेतृत्व में काकोरी कांड में भाग लेकर उन अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। सन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और उनके अन्य मित्र के साथ योजना बना रहे चंद्रशेखर आजाद जी पर अचानक अंग्रेज पुलिस ने गोलियां बरसा दी, जिसके कारण चंद्रशेखर आजाद जी घायल हो गए और अगले 20 मिनट तक सैकड़ों पुलिस वालों से लड़ते रहे। आखिर में उन्हें अपना दिया हुआ नारा याद आ गया, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे, अर्थात ना कभी पकड़े जाएंगे ना अंग्रेज सरकार हमें कोई फांसी दे पाएगी। यह बोलकर पिस्तौल की आखिरी गोली स्वयं को मारकर सदा सदा के लिए अमर हो गए। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी का ये बलिदान हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद।